हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फ़ता क्लासेज। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, जैसा कि हम किसले भाग 3 के सभी चैप्टर्स के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज कर रहे हैं, जिससे पहले इसके हमने 10 अध्याय को कंप्लीट किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कबीर के पद, जो कि हमारा अध्याय 11 है। और साथ ही साथ इस चैप्टर मतलब इस बुक के किसले भाग 3 के सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन वीडियो की सीरीज़ भी अपलोड की जा चुकी है। तो फ्रेंड्स, आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन वीडियो है, उसमें सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा आपको। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कबीर के पद। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो जैसा कि इसका नाम ही है फ्रेंड्स, कबीर के पद, तो इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो कबीर दास। इसके रचनाकार कौन है? कबीर दास इसके रचनाकार हैं। यह क्या है फ्रेंड्स? तो यह एक कविता है। तो आगे बात करते हैं फ्रेंड्स इसके। तो पहला सवाल है, मोको का अर्थ है। तो मोको का अर्थ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मुझको। मोको मतलब क्या है? मुझको। कबीर कैसे संत थे? ये हमारा दूसरा सवाल ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो निर्गुणवादी संत थे। कैसे थे? निर्गुणवादी संत थे। इनमें कौन निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं? तो कौन है फ्रेंड्स? तो जायसी। कौन है? जायसी। आगे बात करते हैं मोगो शब्द। मोको शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो मोको शब्द ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया, ईश्वर के लिए। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, कबीर के पद शीर्षक पाठ साहित्य की विधा है। तो पद साहित्य की विधा है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा हमारे पास। ये रहा सवाल, कबीर के अनुसार व्यक्ति किस कारण सत्य की पहचान नहीं कर पाता है? किस कारण सत्य की पहचान नहीं कर पाता? अपनी अज्ञानता के कारण, मूर्खता। ये मूर्खता हो जाएगा फ्रेंड्स, मूर्खता। इस तरह से कुछ कुछ हो जाएगा, मूर्खता, अपनी मूर्खता के कारण। तो इसमें क्या हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा। अपनी अज्ञानता भी और मूर्खता के कारण भी अपनी सही पहचान नहीं कर पाता है। 7वां नंबर सवाल, कवि किस काल के कवि हैं? कवि किस काल के कवि हैं? तो कवि जो है वो भक्ति काल के कवि हैं। किस काल के हैं? भक्ति काल के हैं। 8वां नंबर सवाल, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, प्रस्तुत पंक्ति उद्धत है। तो किससे है? तो कबीर के दोहे से ली गई है यह पंक्तियाँ। कबीर दास किस धारा के कवि हैं? तो निर्गुण धारा के कवि हैं। किस धारा के कवि हैं? निर्गुण। आपको फ्रेंड्स वीडियो देखते ही देखते याद हो जाएगा, बस आप एक बार आराम से देख लें। वीडियो को एंड तक देखिएगा फ्रेंड्स, स्किप मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कबीर के अनुसार सच्ची भक्ति क्या है? तो कबीर के अनुसार सच्ची भक्ति जो है वो क्या है? मानव सेवा। अगर आप मानव सेवा कर रहे हैं तो आप सच्ची भक्ति कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी, पंक्ति उद्गत है। तो किससे फ्रेंड्स? तो कबीर के पद से है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं, तो यहाँ तक हमने फ्रेंड्स 11 सवाल को किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये सवाल पूछे जाने की संभावना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।